नाम मिला, नाम मिला ता जीवा, नानक नाम मिला। नाम मिले, नाम मिले ता जीवा, नानक नाम मिले। आपे तरस पे होई तेरा किता जातो नहीं मैनो जोग कितोई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पे होई मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं निर्गुण यारे को गुण नहीं आपे तरस पे होई नानक नाम मिले नाम मिले नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले जीवा नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी
जीवै हरिया नानक नाम मिले नाम मिले नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले नाम मिले नाम मिले ता जीवा नानक नाम मिले हो परम सत्कार योग गुरु प्यारे खालसा जी जितने भी माई भाई गुरु साहब जी की मुबारक गोद विच सज के बैठे हो सारिया संगतां मेरिया भैन सारे वीर एक बार कहते अपनी अपनी रसना पवित्र करते हुए गज वज के कहो जी वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। ये शहीदां दा पवित्र अस्थान है फतेहगढ़ सबराट डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर विच जिथे शहीदां दा खून डुल्लिया है। इस पवित्र अस्थान के सेवादार ने गुरु दे दरों घरों वरोसाई होई बड़ी प्यारी आत्मा मेरे सत्कारयोग संत बाबा छिंदर सिंह जी कार सेवा वाले पर कार सेवा तो बदलते प्रचार सेवा वाले बन गए है। कार सेवा तो सारी दुनिया बड़े बाबे करते है पर कार सेवा करदा करदा कोई बंदा प्रचार सेवा ले लवे तो उहदे वड्डे भाग। संत बाबा गुरबचन सिंह जी ने सचखंड जान तो पहलो संत बाबा करतार सिंह जी खालसा भूरिया वालियां नूं पुराने भूरे उन्हां दा पिंड सी भूरा कोना उन्हां नूं कहा करतार सिंघा तैनू असी टकसाल की दस्तार सौंप दित्ती है जदों असी सचखंड गए साडे तो मगरों तू गुरबाणी की व्याख्या करनी है तो विद्यार्थियों नूं गुरमत की विद्या पढ़ा के इन्हां नूं चंगे खंड पाठी प्रचारक कथावाचक ते कीर्तनीय बनाउणा है कितने गुरद्वारियां दी सेवा विच इट्टा ना लाउण लग पई तेरी जिम्मेवारी है प्रचार करन दी। विरले विरले महापुरश ने जिहड़ी किसे नूं प्रचार की सेवा सौंप के जांदे ने पर बाबा छिंदर सिंह जी उन्हां नूं वाहिगुरू ने दो दातां बख्शियां एक तां कार सेवा ते दूजी प्रचार की सेवा। जिहड़ा इत्थे विद्यालय खुल्लिया किन्ने गरीब लोगों के मेरे वर्गियां के गरीबां के बच्चे कोई कीर्तन सीख रहा है कोई एजुकेशन प्राप्त कर रहा है कोई अखंड पाठी बन रहा है कोई कथावाचक कोई ढाडी जथे विच ढाडी वारा गाउण वास्ते निपुण हो रहा है कोई गतका सीख रहा है। यह सारी गुरु की कृपा है। विरले विरले लोग ने आप मुक्त करे संसार जिहड़े संसार के बंधना तो आप तो मुक्त है इस जमाने नूं मुक्त करन वास्ते महान कोशिश करदे ने। संत बाबा छिंदर सिंह जी शहीदां दे अस्थान दे सारे सेवादारां वल्लों जिन्नी भी संगत आई है वाहिगुरू करे तुहानूं जीओ आया तुहाडा एक एक कदम एक एक श्वास गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी लेखे लाउण। ये सतगुरु दे चरणां विच अरदास बेनती आ हुण इतिहास की लड़ी आरंभ करिए। महापुरशां दा जिस दिन मैनूं फोन गया मैं कहा समां किन्ना रात नूं साडा कहिंदे जी डेढ़ घंटा मैं कहा सत बचर असी प्रसंग की तैयारी करते करते आए फिर शाम नूं पुछया साडा समां किन्ने तो किन्ना है कहिंदे जी तुहाडा समां है गया दस तो लैके ग्यारह तक मैं कहा सत बचन एक घंटा समां बहुत हुंदा है। जदों स्टेज पर आए कथावाचक साहब दस मिनट साढ़े टाइम विचों छक गए तो पांच मिनट आत्मा सिंह ने भी छकने से पंद्रह मिनट उपर लंघ गए तो हुण समां हो गया है दस बज के पच्ची मिनट का ते साड़ी समाप्ति है ग्यारह बजे अद्धा घंटा बाकी रह गया इस अद्धे घंटे विचों पांच मिनट असी छड़ देने ये नहीं मैं कहना भी मैं एक उदाहरण होर सुनाउणी है एक प्रकरण होर चेते आ गया जे आ गया तो अपने टाइम भी सुनाओ किसी की वड्याई करनी है तो अपने समय विच करो। इस वास्ते मैं तुहाडा समा नहीं जाया करांगा जिहड़ा जथा मेरे तो बाद विच आउणा है मैं उन्हां दा समा भी नहीं छकांगा अपने समय विचों पांच मिनट छड़ के तुहाडी खुशी लैनी है। एक गल होर अज के जमाने कार पता कि चंकी होंगी है जी डीजल घट खपावे तो एवरेज ज्यादा क्ढे मुंडे कहें डैडी आप कार पता की लैनी वो फलानी एक कार आई है वो एक लीटर ना पच्ची किलोमीटर सफर कड़ जाती है तो बापू भी कहता उ कार लवेंगे कार वो चंकी जी डीजल घट खपावे तो एवरेज ज्यादा क्ढे तो बंदा वो चंगा जिहड़ा टाइम घट लवे तो काम बहुता करके दिखावे फिर स्वाद आता है ना। लंबे समय भी तो सारे बथेरिया बुझारतां पा के तुर जाते हैं पर थोड़े समय में बंदा बहुता काम करके विखावे आनंद फिर आता है। मेरिया नज़रों के सामने
अमृतसर तो 7 मील की दूरी उत्ते एक पिंड है, उसका नाम है बासर के किला। उस अमृत उस बासर के किला अंदर अमृत वेले का समय एक देवी ने दही वाली चाटी में मधानी पाई, उसनू गेड़ा दिता, उसकी जबान तो एक बोल निकलिया, नाले दही रिड़की जा रही है ते नाले कहंदी बलिहारी गोरे अपने द्योहाड़ी सात वार जिन मानस ते देवते की ये करत ना लागी वार, जे 100 चंदा उगवहे सूरज चढ़े 1000 एते चानन होंदिया गुरबिन कोर अंधार। नाले दही रिड़किया जा रहा है ते नाले बाणी पढ़ी जा रही है कोई अजकल इस तरह की नौ इस तरह की धी जेड़ी नाले तो दही रिड़के ते नाले बाबे दी बाणी दा जाप करे, है कोई इस तरह की भागा वाली धी जेड़ी नाले तो रसोई में आटा गुन्ने दाल सब्जी तैयार करे ते नाल नाल वाहेगुरु का जाप जां चौपी साहब का सिमरन करे, हैन विरले कोई टावी टावी धी होएगी जेड़ी रसोई तैयार कर दी बाणी पढ़ दी है। जदों गुरबाणी का जाप हो रहा सी ना एक बजुर्ग बाबे दे कन्ना विच आवाज़ पई, जिहदे कन्ना विच आवाज़ पई वह पता कौन सी, उहदा नां सी बाबा अमरदास। उदों जदों बाणी सुनी ते अजकल उहनां नूं कहिंदे ने भल्ले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तोहे बणिया। उस बाबे ने जदों आवाज़ सुनी ऐं जापिया जिवें बबीहे नूं सवंती बूंद मिल गई होवे। तुसीं सारे पढ़े लिखे गुरमत नूं मन्नण वाले बैठे हो, फिरोजपुर जिले का, तरन तारण अमृतसर जिले का, कपूरथले जिले का किहड़ा पिंड है जिथों संगत अज फतेहगढ़ सभरावां दे सलाना समागम ते रात्रि दे दीवान विच ना पहुंची होवे। तुहानूं पता सवंती बूंद की हुंदी है, जिन्हां नूं नहीं पता सुनियो लो जिंदगी विच कदे कम आएगी गल। जदों बारिश शुरू हुंदी है ना जिहड़ी पहली कणी धरती उत्ते डिगे उसनूं कहिंदे ने सवंती बूंद। विद्वान कहिंदे ने जे किते हरे रंग दे घा उत्ते सवंती बूंद डिग पवे उस घा दा रंग हरियावलता तो बदल के चिट्टा सफेद हो जांदा है, जे किते उस चिट्टे घा नूं हिरन खा लवे उहदी नाभी विच कस्तूरी पैदा हुंदी है, जे किते सवंती बूंद बेरी किक्कर जां टाली दे दरख्तां उत्ते डिग जाए इन्हां दरख्तां विचों चंदर वर्गी खुशबू आउंदी है। पुरातन जमानिया विच जदों जिमीदार किते पुरानी टाली अपने खेत विचों कट्टे ते फिर आरे तो चरावे ते लोग कहिंदे सी ये फलाने ने पुरानी टाली चरवाई है उहदे विचों खुशबू आउंदी जिवें चंदन दी लकड़ होवे, हो सकदा उहदे उत्ते सवंती बूंद डिग्गी होवे, एवें नहीं चंदन वर्गी खुशबू आउंदी। जे किते सवंती बूंद केले ते डिग पवे कपूर पैदा हुंदा है, सिप विच डिग पवे सुचे मोती पैदा हुंदे है, जे किते सप दे सिर उत्ते डिग पवे वह मणि सहेड़दा है, जे सवंती बूंद किसी आदमी दे सिर उत्ते पै जाए उहनूं तंदरुस्ती ते शुभ विचारां दी दात प्राप्त हुंदी है। उस टाइम ते जदों बाबे ने बाणी सुनी उसनूं इंज जापिया जिवें बबीहे नूं सवंती बूंद मिल गई होवे, जिवें किसी परोपकारी हनुमान ने संजीवनी ब्यूटी लिया के मूर्छित राम ते लक्ष्मण नूं सुरजीत कर दिता होवे। दिन चढ़े अपने छोटे भरा दे घरे आया बाबा अमरदास, छोटे भरा दा नां सी भाई मानक चंद। कहिंदे वीरा जी अज अमृत वेले दही रिड़कदिया बाणी किसने पढ़ी है, ते भाई मानक चंद कहिंदा वड्डे भराता जी अपनी धी ने बीबी अमरो ने बाणी पढ़ी है। ते बीबी अमरो दे कोल जाके बाबे अमरदास ने कहा धीए तैनू नमस्कार, सत्कारयोग खालसा जी दुनिया की तारीख विच पहली बार आया है जदों कोई सहुरे का भरा पत्योरा अपनी नूह नूं नमस्कार करता है, नहीं तो जमाना कहिंदा नूहां धीआं का फर्ज बनता अपने बजुर्गों के पैरीं हाथ लाउणा चाहीदा है। पर बाबे अमरदास ने कहा बेटा मैं ये नमस्कार तैनूं नहीं, अज तू दही रिड़कदियां जिहड़ी बाणी पढ़ी है उस बाणी नूं नमस्कार कीती है, बेटा मैं तां मोया प्यासा तेरी जबान तो बाणी सुन के जिउंदियां विच शामिल हो गया, धीए मैनूं दस बाणी किस दी है ते कित्थों आई है। अपने पत्योरा साहब दे चरनी हाथ ला के पा के गल च पला गुरु अंगद देव साहब जी दी साहिबजादी बीबी अमरो अपने पत्योरा साहब जी नूं इस गुरबाणी मुतलक दो शब्द जिवें आखदे है उस वेले दी वार तुहाडी सेवा विच हे ऐं बयान है जी। Oh
पिता ताई बीबी अमरो ने आखिया पिता ताई रबी बाणिए नानक दतार दिए अमरों ने आखिया पिता ताई रबी बाणिए नानक दतार दिए हाँ नानक गुरु दी जगह ते गुरु अंगद नानक गुरु दी जगह ते गुरु अंगद जगदी ज्योत उस सच्ची सर कर दिए हाँ गुरु दी जगह ते गुरु अंगद नानक गुरु दी जगह ते गुरु अंगद जगदी ज्योत उस सच्ची सरकार दिए सवार दिए हाँ हो भुले सज्जन नू संत बना देवे सज्जन नू भुले सज्जन नू संत बना बना देवे भुले सज्जन नू संत बना देवे गोडे जिहां दे जन्म सवार दिए आत्मा नूर जी शुद्ध कर दी शरदा वारनू भव जलो तार दिए शरदा वारनू भव जलो तार दिए शरदा वारनू भव जलो तार दिए हाँ हो हो एक बार सारी संगत रसना पवित्र करो ते गज के कह दियो जी सतनाम श्री वाहेगुरु गुरु चरणा विच आके जेडे लोग वाहेगुरु कहिंदे आ ना पता किन्नी बरकत उहनां लोकां दे घरे आउंदी है पहले नंबर ते तंदुरुस्ती तंदुरुस्ती की हुंदी है जेडे होस्पिटलां विच दाखल ने उहनां नूं जाके पुछो उह कहिंदे रब्बा जां तां मैनूं ठीक कर दे ते नहीं ते मेरी जान कढ ले ते रब उहनां नूं तंदुरुस्त भी नहीं करदा ते उहनां दी जान भी नहीं कढदा उह हड्डियां रिड़क रहे ने मंजिआं उत्ते तंदुरुस्ती उन्हां नूं पुछो जिहड़े दुखी ने महापुरश कहिंदे दुनिया वालिओ जे वाहिगुरु तुहाडी जबान ते है ते गुरु तुहानूं पहले नंबर ते देह रोगता दी दात देवेगा ते दूजे नंबर ते तुहाडे धीआं पुत्तरां नूं वाहिगुरु चंगी अकल देवेगा तीजे नंबर ते जिहड़ी तुसीं किरत कमाई करदे हो भावें तुसीं बिजनेस करो नौकरी करो खेती बाड़ी करो वाहिगुरु तुहाडी किरत विच बरकत पाएगा जिहड़ा संगत विच आ के अपनी जबान तो कहेगा सतनाम श्री वाहिगुरु जी जेड़े वीर ते जेड़ियां भैणां बाहर बैठे ने
ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਿੱਘੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉੱਪਰ ਪੱਖੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਗਰਮੀ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੜੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡ ਬਾਹਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੇਰਾ ਦਾਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਮਿਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਵੇ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਟਾਫਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ GST ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ 450 ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਵੀ 1000 ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਪਤਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾ ਖੁਸ਼ੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ 365 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਭਰਾਓ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ 50 ਟੇਕੋ 100 ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਢਾਡੀ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਕਵੀਸ਼ਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿਲ ਫੁੱਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚੇ ਨਾ ਵੀ ਬਾਬੇ ਆ ਗਏ ਬੋਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗੀ ਏ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਲਲਾਰੀ ਦਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਲਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਗਾਂ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਲਾਰੀ ਚੁੰਨੀਆਂ ਰੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਰੰਗਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਤਲ ਦੇ ਕੜਾਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਡੁਬਾਉਂਦਾ ਚੁੰਨੀਆਂ ਛਿੱਟਾਂ ਆਸ ਪਾਸ ਖੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਤਪੱਸਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਲਾਰੀ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੰਗ ਲੱਗਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਬਾਬਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਿਆਲੀ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤਾਂਹੀਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੱਢੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਤੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਅ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਓਗੇ ਇਹ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਦਮ ਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਬੇਪਰਵਾਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਕਰੋ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੈਜੀ ਰੱਖਦਾ ਸਦਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਵੀ ਪਾਵਦੇ ਲਾਜ ਇਥੋਂ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਮਾਂ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗਿਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਥੋਂ ਸੁਰਤੀ
छुरी जोड़ के जदों अरदास कीती सुरती जोड़ के जदों अरदास कीती मखण शाह दे सौर के काज इथों बाबर बादशाह नूर जी आन चुकिया ओदे सीस ते टिक गया ताज इथों। सत्कारियो खालसा जी तुसी सारे पढ़े लिखे बैठे हो कि ते ना सोच लेना कि मैं खबरे को बाबा शिंदर सिंह की वडियाई करने वास्ते इत्थे आया। मैं नहीं किसी बंदे की वडियाई करता, गुरु महाराज के चरणों में खड़े हैं। गुरु की गल करांगे जां हर का सेवक हर ही जेहा, जेड़ा गुरु के दसे हुए असूलों उत्ते चलता। चार दिशा ने चढ़दा ते लैंदा, दखन ते उत्तर, इन्हां चौहां दिशा तो जिहड़ियां फतेहगढ़ सभरावां दे चार चफेरे 25-25 मील तक जेड़ा भी पिंड आउंदा है, बाबा जी ने खुली आवाज दिती है किसी नूं जरूरत होवे, तुहाडे घर च कोई दुख सुख होवे सानूं फोन करो, बाबा जी असीं अपने मरीज नूं फलानी थां ते लैके जाणा है, कोई साधन नहीं बन रहा, कोई गड्डी भेजो, तुहाडे तों कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। इन्हां गड्डियां विच जिहड़ा तेल पानी पैणा कित्थों, आ तुहाडे एक एक पैसे नाल वाहिगुरू कृपा करे इदां दीआं रूहां आउंदीआं रहिण। इन्हां ने गुरु ग्रंथ साहिब दी एक पंक्ति दृढ़ कीती है, पता किहड़ी, माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे, वाहिगुरु जे मनुखा जन्म दिता ही ते तेरे लेखे लग जाए, ये तुहाडी सेवा करदे है। फतेहगढ़ सभरावां दा जदों दीवान लगदा है ते भुलेखा पैंदा है आनंदपुर साहिब दे होले महल्ले दा, कदे होले महल्ले ते आनंदपुर साहिब जायो, इदां दी संगत इदां दी रौनक जां उत्थे हुंदी है ते जां फिर फतेहगढ़ सभरावां, ये जिथे सच होवे जिथे वाहिगुरू की कृपा होवे। और सामने लिखिया कि गुरु ग्रंथ साहिब दी हजूरी विच सदा सच बोलो, ये सच्चे बचन में तुहाडे नाल ना मैं किसी की खुशामदी करदा है, ना मैं किसी बंदे की फोकी वडियाई करनी है, जो मैं अखां नाल देखिया तुसीं भी देखदे हो, मैं भी देखिया, मैं गुरु का प्रचार ते गुरु घर का एक पहरेदार हाँ, गुरु घर का कूकर हाँ, हम कूकर तेरे दरबार भौंक है आगे बदन पसार। जेड़े गरीबां दे बच्चे पढ़ते ने आ 13-13 साल के बच्चे न्यूजीलैंड की संगत ने बुला ले, फतेहगढ़ सभरावां का ढाडी जथा जी बुलाओ, उन्होंने एक महीने रखे इन्हां बच्चों माया दे के भेजिया, माया दे के जो इंडिया भेजिया ना बाबियां को आए इतों सीखते है, तो इन्हां दे आसरे नाल ही वह विदेश चले गए। ये जिहड़े पैसे ने बाबा जी ने कहा बच्चे हो तुसी मेरे पुत्र हो, मैं माया नहीं लैनी, जाओ तुसी अपने गरीब माँ बाप नूं दे दिओ, इहदों वड्डा पर की पर उपकार की हो सकता है। ते जे कोई मेरे वर्गा जफ्फे बाहर हुंदा ते कहिंदा लियाओ जिहड़ा लैके आ जे 7 लाख बाहरों मैनूं दे जाओ, मेला आया इत्थे खर्च करांगे, ना भाई पुत्र तुसी अपने घरों लै जाओ, तुहानूं तुहाडे माँ बाप सीसां देणगे। वह इदां दीआं रूहां जिन्हां कौमां विच होण वह कौम कदे ढहिंदी कला में जाएगी नहीं, नहीं। वाहिगुरू कृपा करे, परमात्मा इन्हां नूं सदा वास्ते चढ़दी कला का बल बख्शे। जिन्हें भी आए हो जो तुहाडे कोलों सरे बने, बहुते विचों बहुता ते थोड़े विचों थोड़ा, सेवा विच हिस्सा पा के जरूर जाया करो, क्योंकि इत्थे दित्ता कदे जाया नहीं जाता। गुरु महाराज के चरणों में मेरी बेनती है, तुसी सारे पढ़े लिखे हो, हर बंदा वे तो वध तां सेवा अगे ही करता है, मैं बेनती कर रहा सां। बीबी अमरो ने कहा यह बाणी है पिता जी गुरु नानक दी, वो सचखंड चले गए ने उन्हां दी जगह उत्ते मेरे पूज्या पिता गुरु नानक दी जोत खडूर साहिब जगाई बैठी है बैठे ने। ते बाबे अमरदास ने कहा धीए चल जिथों बाणी आई है मैनू उत्थे लै चलो, है कोई दुनिया का बंदा किसी दूसरे नू कहो चलो मैनू उत्थे लैके चलो जिथे बाणी आई है। कदे कदे बंदे दी जिंदगी विच मौका आउंदा है, अज आपां सारे भागां वाले हाँ, अपने घरां तों बीबियां आईयां ने, बच्चे आए ने, नौहां धीआं आईयां ने, कादे वास्ते चलो उत्थे बड़े बड़े कथावाचक आए ने, रागी ढाडी आए ने, कवीशर आए ने, आपां सरवण करांगे कि साडा तुहाडा सारयां दा संगत दे दर्शन करके भला हो जाएगा। नाले बाणी विच महाराज कहिंदे ने तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है, गुरु दे दर्शन कीते तां बंदे दे मन तो जन्मां जन्मात्रां दी मैल उतर जांदी है। बीबी अमरो अपने पति सस ते सहुरा जी पासों आग्या लैके, बाबे अमरदास अपने पत्यौरा साहब जी नाल बासर के गिल्लां तो चले खडूर साहब जाणा। रस्ते विच जांदिआं जांदिआं बाबे ने सोचिया मना तू तां 21 वार गंगा हरिद्वार की यात्रा भी कीती है, तेरे वर्गा पवित्र कौन है, बंदा उदों मरदा है जदों ये कहे भी मेरे वर्गा चंगा कौन है,
महाराज कहते हो बंदे तू ये कहना है कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई वैगुरु मैं आप ही नहीं चंगा मैनू की हक है मैं दूजिया माड़ा कर दिया कई बंद सुभा है एवं दूजिया की निंदा गुआढ़िया की चुगली करी जानी अपनी पीढ़ी थले सोटा मारना ही ना वह बंदा कह जो लोगों के औगण वेखदा है तो अपनी पीढ़ी थले सोटा मारता ही नहीं सतगुरु कहिंदे ओ भागा वाले जे सिख बन के गुरु के चरणों में आया है ना अपनी पीढ़ी थले सोटा मारी दूजिया के औगण ना वेखी हो सकता है साढ़े नालों फिर भी वह चंगे होन ते बाबा अमरदास आप चंगा बन गया वो अमरदासा तू तो एक ही बार गंगा भी गया है तेरे वर्गा कौन है लोगों मगर लग के वेखो वेखी ना गुरु नूं मत्था टेक देवी ये भेड़ चाल हुंदी है इदा ना करी जे गुरु होया अंतरजामी मत्था टेकी वरना नहीं टेकना खडूर साहब आ गया बीबी अमरो कहिंदी पिता जी तुसी इत्थे बैठो मैं गुरु महाराज तो आग्या लै आवां गुरु का दरबार सजिया खडूर साहब जदों महाराज के दीवान विच पैर रखिया ना बीबी अमरो ने जानी जान सतगुर ने कहा बेटा जेड़े साथ नूं पिंडों लियाई है ओनू पिछे बिठा के कल्ले आ गए जा अपने साथ नूं भी नाल लेके आओ बीबी अमरो उत्थों ही वापस मुड़ गए ते उस टाइम ते बाबे जी नूं कहा पिता जी गुरु महाराज कहिंदे धीए जेड़े साथ नूं पिंडों नाल लियाई है ना ओनू नाल लेके आओ बाहर क्यों बिठा दिता है हैं बाबा अमरदास कहिंदा इहदा मतलब भी खडूर साहिब वाला गुरु अंतरजामी है इहने दिल दी बुझ ली है कि बासर के गिल्लां तो मेरी धी दे नाल कोई साथ वी आया ओ अमरदासा यह गुरु दिल दियां बुझण आ रहा है इहदे उत्ते शक ना करी सत्कार नाल मत्था टेकी बीबी अमरो ते बाबा अमरदास तुरे आउंदे किवें जिवें अज आपां ना गुरु महाराज दे चरणां विच आए हां ना महाराज नूं सीस झुका के बैठे हां इदां बाबा अमरदास जी तुरे आउंदे गुरु अंगद देव साहिब ने सोचिया मना ओ जिहड़ा बाबा तुरे आउंदा है ना बाहरले दरवाजे विचों साडे तो मगरों इस गद्दी उत्ते तीजे नानक बन के उसने बैठना है क्यों ना होवे उहनूं सत्कार दिता जाए महाराज अपने सिंघासन तो उठे ते अगल वांडी हो गए अपनियां बाहां फलाईयां गलवक्कड़ी विच लैण वास्ते कि इस बाबे ने साडे तो मगरों इस सीट उत्ते बैठना है जदों महाराज ने बाहां फलाईयां गुरदेव जी गलवक्कड़ी विच आउण दी बजाए बाबे अमरदास ने अपना सिर मेरे दाते दे कदमां उत्ते झर के पा के गल च पल्ला सच पाशाह नूं एक बेनती पाया
दियो सुनानी है ना ढाडी जथे ने यह वार का नाम पता की है वार का नाम है बैंत ते बैंत इनू कहिंदे ने हीर दा बैंत हीर किसे औरत जां बंदे दा नाम नहीं ढाडी गायकी विच ढाडी कला विच एक गायकी का नाम है भी इन्हें हीर दा बैंत गाया इन्हें हीर दी कली गाई है इन्हें पूर्ण गाया है फलाने रागी ने रसालू गाया है उन्हें कली गाई है इन्हें कोरड़ा गाया है इन्हें कबित गाया है इन्हें दवैया ते दुतारा गाया है ये वक्रियां वक्रियां वनगियां ने ढाडी कला दियां ते ढाडी कला दा एक अंग है इन्हों कहिंदे हीर दा बैंत पता कौन पढ़दा हुंदा सी पुराने जमानियां विच पिंडां विच पुराने तख्त पोश हुंदे सी जां खुंडां उत्ते कईआं बजुर्गां ने ना जां कालीदास दा किस्सा जां करतार सिंह कलास वालीए दा जां रूप बसंत जां जिंदगी बलास जदों उच्ची सुर रख के पढ़ने ना हीर दे बैंत गाउणे ते वेखण वालिआं ने कहना भी उह जिहड़े ताया जी ने ना उह जदों कदे हीर दा बैंत गाउंदे आ ना असमान विच उड़दे होए पंछी भी रुक जांदे सुणन वास्ते ये पुराने बजुर्ग आ सकदे सी अज कल हर बंदे तों नहीं गाया जांदा विरले विरले ने जिन्हां उत्ते गुरु की कृपा है ये बच्चे तुहानूं गा के सुणाउणगे यह जिहड़ा मेरे सज्जे पासे खड़ा इहदा नाम है जोरावर सिंह नवें शहर तों है जिहड़ा सरंगीवाद के दा नाम भाई रजीवन सिंह इहदा पिंड है बीला बरनाले तो 20 मील एक साइड ते ये रल के गा के सुणाउणगे तुसीं फिर देखिया जे ते सोचिया जे भी जिद्दां इन्हां ने ये हीर दा बैंत गा के सानूं सुनाया है इदां असीं किसे तों अगे सुणिया है जां घट सुणिया है जां किन्ना बाले दे उत्ते लगदा है सुनो जेड़ा अज दा फतेहगढ़ सभरावां दा 8 तरीक दा शाम दा दीवान है तुसी जिन्ने आए हो आपां सारे गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच बाबा शिंदर सिंह जी नूं वधाईयां देनियां ने बाबा जी गुरु दी तुहाडे उत्ते इन्नी कृपा है इत्थे अगे लखां आए ते लखां गए पर जिन्ना सिक्खी दा प्रचार ते प्रसार ते अमर संचार तुसी करवाया है दुनिया दा होर कोई व्यक्ति करवा नहीं सकदा तुहानूं इस पावन पवित्र गुरमत समागम दीआं मुबारकां ते वधाईयां होण बहुत खुशी हो रही है मेरी कौम दे श्रोमणी कविशर जोगा सिंह जी भागोवालीए पहुंचे ने स्टेज ते मैं उहनां नूं जीओ आया आखदा हां लो जी सुनो जिहड़ा हीर दा बैंत है इहदे बोल ने
रल मिल के आओ अरदास करिए सुखां दुखां विच दाता सहाई होवे रल मिल के आओ अरदास करिए हाँ सुखा दुखा विच दाता सहाई होवे जगते जाए हुंदी हाँ जिना धर्म दी धुजा चुलहई होवे राखी करे जो गऊ गरीब वाले ऐसे पुरख दी कला सवाई होवे ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਹਾਂ 11 ਵਜਣ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਓ ਆਇਆਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਵਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਉੱਘੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤ ਆਚਾਰੀਆ ਭਾਈ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਕਹੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ